नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? प्रतिशत। बात समझ में आ गई, टॉपिक था अपना प्रतिशत। इसका अपने बेसिक पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। बात समझ में आ गई, ये जो अपना बैच है स्पेशल मैथ का, इसमें अपन क्या जीरो, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। बात समझ में आ गई। इससे पहले अपने 5-6 क्लासे हो चुकी है, देखो बिल्कुल छोटी छोटी क्लासे, 15 से 20 मिनट की, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। अगर आपने पीछे क्लास नहीं देखी है तो वो देख के आपको अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, और कोई भी क्या तो किसी भी टाइप का क्या क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाता। बात समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है और आगे भी अपन ऐसा ही करते रहेंगे। जितने भी टॉपिक है उनको क्या बेसिक से जीरो से लेके एडवांस लेवल तक चलेंगे। बात समझ में आ गई। जितने भी टाइप होंगे वो सभी टाइप करेंगे, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में नोट्स बना लिए और रिवीजन कर लिया, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल जीरो लेवल से छोटी छोटी चीजें अपन करते चलते हैं और एडवांस लेवल तक। बात समझ में आ गई। इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या दो तीन एक दो क्लास ज्यादा हो जाती है और क्या है आपके समझ में अच्छे से आएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो देखो, ये क्वेश्चन दिए मैंने आपको, चार क्वेश्चन है ये, आप लोग क्या करने की कोशिश करो। चार क्वेश्चन दिए हैं, बेसिक अपन ने पढ़ लिया, और ये आप पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन क्या है, ये अजीत के पास सुमित से 25% अधिक धन है। अजीत है, उसके पास सुमित से कितना है, 25% अधिक धन है, तो सुमित के पास अजीत से कितना प्रतिशत कम होगा। क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है, और जिन्होंने पहले बेसिक पढ़ रखा है तो उनका तो क्या आंसर आ जाना चाहिए भाई। देखो क्वेश्चन एक बार दोबारा बात करते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, यदि अजीत के पास सुमित से 25% अधिक धन है तो सुमित के पास अजीत से कितना प्रतिशत कम होगा। बात समझ में आ गई। तो अपन देखो यहाँ पे कर लेते हैं, अगर आपने सोल्व कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो यहाँ समझने की कोशिश करो, लेकिन क्या आप साथ साथ सोल्व करने की कोशिश क्या करो, जिससे आपको पता चलता है कि अपने को कहाँ पे दिक्कत हो रही है और कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो चलो अपन बात कर लेते हैं, इधर क्या हो गया, अजीत लिख लेते हैं अपन, ये आ गया आपके अजीत और इधर हो गया सुमित। अब देखो क्या बताया है, किसके इसके पास अधिक है, किससे इससे, कितना अजीत के पास सुमित से 25% अधिक धन है, सुमित से कितना है 25% अधिक, तो जिससे अधिक होगा उसको क्या मानेंगे अपन, 100 मानेंगे। किससे अधिक है, सुमित से अधिक है, तो सुमित के पास अपन ने मान लिया 100 रुपए। बात समझ में आ गई, 100 रुपए मान लिए। आप चाहो तो 2000 मान लो, 5000 मान लो, 200 मान लो, 3 रुपए मान लो, जो आपकी मर्जी है वो मान सकते हो, लेकिन 100 इसलिए मैंने माना यहाँ पे, इससे क्या क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो सुमित के पास अपन ने 100 रुपए मान लिए, 100 रुपए मान लिए, आसानी किस प्रकार से होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अपन ने क्या माने, 100 रुपए मान लिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसी हिसाब से करेंगे, सुमित से 25% अधिक है, किसके पास, अजीत के पास, तो 100 का अपन 25% निकालेंगे तो अपने पास सीधा सीधा आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर अपन 25 यहाँ पे सुमित के पास 50 रुपए मानते तो सुमित के इसकी वृद्धि कितनी होती, 25% 12.5 रुपए क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। बात समझ में आ गई। अगर सुमित का 200 रुपए अपन मानते तो उसका 25% निकालते तो कितने, 50 रुपए की वृद्धि हो जाती, तो इसके पास 100 सॉरी इसके पास 200 थे, इसके पास 250 होते। बात समझ में आ गई। लेकिन अपन ने 100 माना, 100 का मतलब 25%, 100 से क्या है अधिक है, कितना अधिक है, 25%, तो 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है, तो 100 में अपन ने क्या जोड़ दिया, 25, तो अजीत के पास कितने रुपए हो जाएंगे, 125 रुपए हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, इसलिए मैंने इसको 100 माना। आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुमित से कितना अधिक है, 25%, तो सुमित के पास अपन ने मान लिया 100 रुपए, और 100 से 25% अधिक कितना हो जाएगा, 100 में अपन जोड़ेंगे 25, तो 125 रुपए हो गए। ये अगर आपने लिख लिया तो आगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे देखो क्वेश्चन के हिसाब से अपन चलेंगे, यहाँ तक अपने लिख लिया अजीत के पास सुमित से 25% अधिक धन है, सुमित के पास 100 है तो इसका 25% अधिक हो जाएगा, 100 का अपन निकालेंगे 25%, तो इसका कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, तो सुमित के पास अजीत से कितना प्रतिशत कम है, अजीत से कितना प्रतिशत कम है। बात समझ में आ गई, किससे है, अजीत से कम, अजीत से कम है, किसके पास, सुमित के पास, ये दिख रहा है अपने को, अजीत से कम है, लेकिन कितना प्रतिशत कम है। बात समझ में आ गई।
तो इस प्रकार से आप देखो ये गलती मत कर देना, 100 से कम मत कर देना। किससे पूछा है? अजीत से कम पूछा है, तो अजीत के पास कितना है? 125 रुपए। बात समझ में आ गई? 125 से कम कितना है? 25 कम है। 125 से आपको पता है कितना है? 25 कम है। तो किससे कम है जिसको लिखेंगे अपन नीचे? अजीत से कम है। 125 से कम कितना है? 25 कम है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सुमित के पास अजीत से कितना प्रतिशत कम है? तो अजीत से, अजीत जिससे कम होगा उसको क्या लिखेंगे अपन नीचे? अजीत के पास 125 है, 125 से कम कितना है? 25 है। तो 25 को क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। 25 को मैंने क्या वहां पे लिखा? ऊपर। और गुणा प्रतिशत के लिए क्या कर दिया? गुणा 100। बात समझ में आ गई? अब क्या आ जाएगा आपका आंसर? आ जाएगा सीधा सीधा, देखो 25 का भाग 25 में एक बार जाएगा, 125 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 125 में कितनी बार गया? 5 बार। 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 100 के अंदर कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 20%। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा समझेंगे अपन। क्वेश्चन में क्या दिया? यदि अजीत के पास सुमित से 25% धन अधिक है, कितना अधिक है? 25%। अब जिससे अधिक हो जिससे कम हो उसका अपन क्या मान लेंगे? सुमित से अधिक है तो अपन क्या मानेंगे? सुमित का क्या मान लिया? 100 रुपए मान लिया। सुमित का धन कितना माना? 100 रुपए माना। बात समझ में आ गई? अब देखो इससे 25% अधिक है तो सुमित का 25% कितना हो जाएगा? 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। और 25 क्या अधिक है तो 100 में अपन क्या जोड़ेंगे? 25। तो अजीत का कितना होगा? 125 होगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया, अधिक धन है। बात समझ में आ गई? तो आगे बात करें, आगे सुमित के पास अजीत है कितना प्रतिशत कम है? तो अजीत के पास कितना है? 125 है। सुमित के पास 100 है तो कितना कम होगा? 25 कम होगा। 125 से माइनस करेंगे 100 को तो कितना होगा? 25 कम होगा। अब जिससे पूछा उसको लिखेंगे नीचे, अजीत अजीत के पास कितने? 125 है। 125 पर कम कितने हैं? 125 से कम कितने हैं? 25 कम है। और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे? गुणा 100। बात समझ में आ गई? 125 से कितने कम हो गए? 25। प्रतिशत के लिए क्या कर दिया? गुणा 100। बात समझ में आ गई? तो आपका आंसर क्या आ गया? 20%। बात आ गई अच्छे समझ में? ये अगला क्वेश्चन आपको करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और अगला टाइप क्या है उसी टाइप का अगला क्वेश्चन आपको करना होता है। तो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या उसी टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। ये ढंग से नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। 125 से कितना कम है? बस ये लिखते आपका आंसर आ जाएगा। 125 से कम कितना? 25 है। प्रतिशत के लिए क्या लगा दो? गुणा 100 लगा दो। बात समझ में आ गई? तो 25 का भाग 25 में एक बार जाएगा, 125 में कितनी बार गया? 5 बार। 5 का भाग 5 में एक बार, 100 में कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो क्या आ गया? 20%। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। चलो तो पहले इसको नोट डाउन करो और फिर ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। देखो अपना क्या रहता है, नहीं तो फॉर्मूले रटवाता हूँ मैं आपको, बेसिक चीजें सिखाता हूँ। बात समझ में आ गई? बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी तो क्या है, अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया जाएगा तो भी आपके दिक्कतें नहीं आएगी। ये कम जोड़ दिया, ये बत्ती दिया, वैसे ना फॉर्मूले नहीं रटाएंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूले आप रटोगे तो कितने फॉर्मूले रटोगे? 5 रट लिए, 10 रट लिए, 20 रट लिए, और वो गायब हो गए दिमाग से, तो क्या पूरा क्वेश्चन हल करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा आपके। तो इसीलिए क्या बेसिक पे ध्यान दिया करो, जिससे कोई क्वेश्चन नया बने तो भी क्या दिक्कत नहीं है। तो क्या क्वेश्चन क्या है? यदि आर के पास ए से 20% क्या अधिक धन है, आर के पास है वो किससे है? ए से 20% अधिक है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया है, आर के पास ए से 20% अधिक धन है तो ए के पास आर से कितना परसेंट कम होगा? बात समझ में आ गई? तो देखो किससे अधिक है, ए से कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो अपन जिससे अधिक होगा उसको मान लेंगे। सबसे पहले ए के पास कितना है? ए के पास मान लिया अपन ने 100 रुपए। ए के पास कितने 100 रुपए है? अब देखो आर के पास कितना 20% अधिक है, आर इधर लिख लेते हैं, आर के पास 100 से कितने अधिक है? 20%। तो 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। तो आर के पास कितने हो जाएंगे? 20 अधिक है तो 100 में क्या जोड़ देंगे? 20। तो इसके पास कितने हो गए? 120 हो गए। कितने हो गए? 120। बात समझ में आ गई? ए के पास कितने हो गए? 100, और आर के पास कितने हो गए? 20 हो गए। यहां तक आ गई आपकी बात समझ में? आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आगे क्या दिया, ए के पास आर से कितना प्रतिशत कम होगा? आर से ए के पास कितना प्रतिशत कम होगा? वैसे आर से आर के पास कितने 120 है और ए के पास कितने 100 है, तो कितना कम हो गया? 20 कम हो गया। बात समझ में आ गई?
तो 120 से कितने कम हो गए, 120 से कितने कम है 20 है, 120 से कितने कम है 20 है, बात समझ में आ गई। और प्रतिशत के लिए क्या लगा दो गुणा, बात समझ में आ गई होगी, 20 का बार 20 में एक बार जाएगा, 120 में 6 बार जाएगा, तो आपके आंसर क्या आ गया 100 बटे 6 आ गया। अब 6 का भाग देंगे 100 में कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, सॉरी 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, शेष क्या बच गया 4 बच गए 40 हो गए, 40 के अंदर 6 का भाग देंगे 6 6 36 हो गए, 6 बार भाग जाएगा, बच गया क्या बच गया आपके पास 4 बच गया, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 4, नीचे क्या आ गया 6 आ गया, इसको काटेंगे तो 2 आ गया, इसको काटेंगे 3 आ गया, ये अब आगे लग गया प्रतिशत, तो ये आ गया 16 सही 2/3 प्रतिशत, बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो मैंने क्या बताया, अगर आप वैसे भी कर सकते हो 100, देखो अगर आपने पीछे की वो एनसीईआरटी बुक देखी 120 से कितने कम है, 120 से वैसे लैंग्वेज लिख के भी कर सकते हो 20 कम है, एक से कितना कम हो जाएगा 120 बटे 120 और 100 से 100 पर कितना कम हो जाएगा गुना 100, बात वही है, इसको भी काटोगे तो क्या रहेगा 16 सही 2/3 प्रतिशत, बात समझ में आ गई होगी। देखो किस प्रकार से करेंगे, ए के पास है सॉरी आर के पास है वो ए से 20% अधिक है, किसके पास अधिक है आर के पास, किससे अधिक है ए से, जिससे अधिक होगा उसको क्या मानेंगे 100 मानेंगे, तो अपन ने ए के पास मान लिए 100 रुपए मान ली, और 100 का 20% कितना होता है 20 अधिक, 100 का 20% कितना होता है 20, और 20 क्या अधिक है 20% अधिक है, तो 100 में क्या जोड़ देंगे 20 जोड़ देंगे, तो आर के पास कितने हो गए 120 रुपए हो गए, बात समझ में आ गई, आर के पास कितने हो गए 20 रुपए। अब आगे दिया क्वेश्चन में ए के पास आर से कितना प्रतिशत कम है, तो आर के पास 120 और ए के पास कितने 100, तो इससे कितना कम होगा 20 कम होगा ना, इससे कम कितना होगा 20, किससे कम है 120 से, तो 120 को अपने नीचे लिखा 120 से कितना कम है 20 कम है, और प्रतिशत के लिए क्या कर दिया गुना 100, तो अपना क्या जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का भाग 20 में एक बार जाएगा, 120 में 6 बार गया, तो अपने पास क्या आ गया 100/6 आ गया, बात समझ में आ गई, इसको सॉल्व किया तो अपने पास क्या आ गया 16 सही 2/3 प्रतिशत, आ गई आपके बात अच्छे समझ में। चलो तो जिन्होंने ये नोट डाउन कर लिया वो तो क्या है अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, पहले नोट डाउन कर लो फिर क्या है अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। ये क्या दूसरा टाइप है, ये दूसरा टाइप है आपके दो क्वेश्चन, और ये क्या है अलग टाइप के बाद क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई, करो तो नोट डाउन इसको। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, कर लिया होगा, देखो क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन देखो इनमें क्या मैंने ये जो 25% है ये तो क्या सेम रखा है, और वैसे थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, बात समझ में आ गई। अब क्या दोनों टाइप एक साथ हो जाएंगे तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से सोल्व करना पड़ता है, बात समझ में आ गई, इसीलिए मैंने क्या दोनों टाइप एक साथ लिखे हैं, अगर ये दोनों टाइप आपने ढंग से कर लिए तो आगे क्या कंफ्यूज नहीं होगा आपके, बात समझ में आ गई। इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज है, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था अजीत के पास सुमित से 25% अधिक धन है, तो सुमित के पास अजीत से कितना प्रतिशत कम होगा, इसमें मैंने देखो अलग लिख दिया अजीत के पास सुमित से 25% कम है, यहाँ पे लिखा मैंने अधिक, यहाँ पे क्या हो गया कम है, तो सुमित के पास अजीत से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यहाँ पे कम था यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया अधिक होगा, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे सोल्व करेंगे आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। चलो भाई आप कर लेना, अपन बात कर लेते हैं, देखो अजीत के पास सुमित से 25% कम धन है, अब जिससे कम होगा वो मैंने बताया था सुमित से कम है, तो अपन क्या मानेंगे सुमित को क्या मान लेंगे एस लिख लेते हैं, इधर ए लिख लिया, बात समझ में आ गई। तो एस के पास कितना है सुमित, सुमित को अपन मान लिया, सुमित को 100 रुपए मान लिए, जिससे कम होगा जिससे अधिक होगा उसी का मानेंगे पहले, सुमित से है ना, सुमित से कम है तो अपन सुमित को मानेंगे सबसे पहले, सुमित के रुपए मान लिए अपन ने कितने 100 रुपए। अब क्वेश्चन में दे रखा सुमित से 25% कम है, अब देखो 100 का 25% कितना हो गया 25 हो गया, तो 100 से कितने कम है 25% कम है, तो 100 से 25 कम हो गए तो इसके पास कितने आ जाएंगे 75 रुपए, बात समझ में आ गई। 100 से कितने कम है 100 से माइनस करोगे 25 तो क्या आ गया 75 आ गया, तो अजीत के पास कितने आ गए 75 रुपए आ गए, बात समझ में आ गई। ये लिखते ही क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो यदि अजीत के पास सुमित से 25% कम है तो सुमित के ऊपर 100 रुपए, और 100 से 25 कम है
100 से कितने कम है, 25% कम है, तो 100 से माइनस कर दिया 25 अपने, तो अजीत के पास कितने आ गए, 75 रुपए आ गए। बात समझ में आ गई। आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया, तो सुमित के पास अजीत से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इससे अजीत से कितना अधिक है, किससे, अजीत से, तो अजीत के पास कितने हैं, 75 रुपए हैं, और अजीत से अधिक कितना है, इसके पास 75 है और इसके पास 100 रुपए है, इसके पास 75 रुपए, इसके पास 100 रुपए है, तो 75 से कितने अधिक है, 75 से कितने अधिक है वो लिखेंगे ऊपर, 25 अधिक है। बात समझ में आ गई। और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। गुणा क्या किया, 100 किया। अब 25 का भाग 25 में एक बार जाएगा, 75 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 100/3। अब 3 का भाग देंगे 100 में, तो आप सभी को पता है सीधा सीधा 100 गणित जुड़ती नहीं देती, सही है 1/3%। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई होगी। देखो मैंने किस प्रकार से किया, एक बार दोबारा देखो। यदि अजीत के पास सुमित से 25% कम धन है, सुमित के पास अपन ने 100 माना और इसके पास क्या 25% कम है, तो 100 से अपन क्या कर देंगे, 25% माइनस किया, तो कितना आ गया आपके पास, 75 आ गया। बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन में पूछा है कि अजीत से सुमित के पास कितने प्रतिशत अधिक है, अजीत से किसके पास है, सुमित के पास कितना प्रतिशत अधिक धन है, तो देखो इसके पास 75 है, इसके पास 100 है, तो इससे अजीत से कितने अधिक हो गए, 25 हो गए। बात समझ में आ गई। तो अजीत के पास कितने थे, 75, 75 से कितने अधिक है, 25 अधिक है, और प्रतिशत के लिए क्या कर दिया, गुणा 100, तो अपना आंसर क्या आ गया, 33 सही, 1/3%। अगर आप वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, 75 से अधिक कितने हैं, 25 है, 1 से अधिक हो जाएगा, बटे 1 से कितने अधिक हो जाएंगे, 25/75, और प्रतिशत के लिए 100 से क्या हो जाएगी, 100 से कितने अधिक हो जाएंगे, गुणा 100। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से सोल्व करोगे तो भी यही आ रहा आपने, तो अपना आंसर इससे भी क्या आ जाएगा, 33 सही, 1/3%। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो इसको नोट डाउन करो, और ये क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा, मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। बात समझ में आ गई। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, नीचे वाला सेम टाइप के क्वेश्चन है, इनमें क्या थोड़ी थोड़ी क्या संख्या चेंज किया मैंने, बाकी सेम है। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन कर लिया होगा आपने, करने की कोशिश करो। क्या दिया है, यदि आर के पास ए से 20% कम धन है, क्या है आर के पास इस बार, क्या है ए से 20% कम धन है, तो ए के पास आर से कितना प्रतिशत अधिक होगा। बात समझ में आ गई। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि आर के पास ए से क्या 20% कम धन है, तो आर के आर से क्या है ए के पास आर से कितना अधिक होगा। इस टाइप जैसे इस टाइप का ये क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, अगर आपने सोल्व कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या है आगे करने की कोशिश करना। देखो क्या दिया है, आर के पास ए से 20% कम धन है, इधर क्या लिख लिया अपने आर लिख लिया, इधर क्या लिख लिया ए लिख लिया। अब देखो किससे अधिक कम हो रहा है, ए से अधिक, ए से कम हो रहा है कितना, 20%। अब अपने सबसे पहले ध्यान रखना है किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या मानेंगे, ए के मान लिए 100 रुपए मान लिए, अब कम अधिक होगा वो अपन आगे लिख लेंगे। बात समझ में आ गई। सबसे पहले जिससे कम या अधिक हो रहा है, ए से कम अधिक हो रहा, बात समझ में आ गई। तो ए का तो अपन क्या मान लिया, 100 मान लिया, कितना हो रहा 20% कम हो रहा, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 100 से 20 कम करेंगे तो इसके पास क्या हो गया, 80 हो गए। इसके पास 100 रुपए है तो आर के पास कितने रुपए हो गए, 80 रुपए हो गए। बात समझ में आ गई यहां तक। आगे बात करते हैं, तो ए के पास आर से कितना प्रतिशत अधिक है, आर से किससे, आर से, अब आर से देखो कितना अधिक है, आर से क्या है 20 अधिक, आर से क्या है 20 अधिक है। बात समझ में आ गई, आर से कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो ए के पास आर से कितना प्रतिशत अधिक होगा। बात समझ में आ गई। तो देखो आर, आर का कितना है 80 से कितना अधिक है, 80 से अधिक कितना है, 20 अधिक है। बात समझ में आ गई। प्रतिशत के लिए क्या कर दो, गुणा 100 कर दो, 20 का भाग 20 में एक बार जाएगा, 80 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, और 100 के अंदर कितनी बार जाएगा, 25 बार, तो क्या आ गया, 25% आ गया आपका, 25% क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। देखो एक बार दोबारा देखो क्या दिया है, कि ए के पास है, ए के पास है वो क्या है, आर से 20%
सॉरी आर के पास है वो ए से कितना 20% कम है। आर के पास है वो क्या है, ए से 20% कम है। तो अपन क्या है, जिससे होगा किससे, ए से है, तो ए को अपन ने मान लिया 100। अब इससे 20% कम कर लेंगे, ए से कितना कर लिया 20% कम हो गया, कितना आ गया 80। तो आर का मान कितना हो गया 80 हो गया। बात समझ में आ गई, आर के पास कितने हो गए 80 हो गए। अब पूछा है ए के पास आर से, किससे, आर से, ये जान कर रखना आर से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो आर के पास 80 है, तो आर से कितना अधिक है 20 अधिक है, तो 80 से अधिक कितना है 20 है, और प्रतिशत के लिए लगा दो गुणा 100, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25%। बात समझ में आ गई, बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। चलो तो इसको करो नोट डाउन। देखो दो टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावना। बात समझ में आ गई, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप क्या प्रैक्टिस करोगे क्या आपके भी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। और ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया, इससे आप क्या कभी भूल नहीं पाओगे। बात समझ में आ गई, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।